दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। एक बवाल मच गया है फरीदाबाद में। आप देख रहे हैं मंझावली गांव में धरना शुरू हो रहा है और लिखा हुआ है टीटू उर्फ सरफराज खान को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, पीड़ित वाल्मीकि परिवार ग्राम मंझावली। और कुछ लोग कहते हैं टीटू भगत भूत उतारता है। तो ये जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, ये पब्लिक को दिखा रहे हैं कि भूत तो हम भी उतार लेते हैं। हाँ, अब भूत तो हम भी उतार लेते हैं, ऐसा राजेश का कहना है। मैडम को कुछ दिखा रहे हैं। कुछ दिखा मैडम, कुछ दिखा नहीं दिखा? हाँ, आप देखिए क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। भूत आ गया इस पर, दिखाओ भाई, जूम करके जूम करो, इस पे भूत आ गया है। ओए, ये तो जिन आ गया इसमें भाई। अच्छा, अब ये हाँ, अब थोड़ा हम बैठेंगे, काफी मजेदार चीजें देखने को मिल रही हैं। अब इसको केमिकल से हम सुखा भी सकते हैं दोबारा, और फिर आपको दिखेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखना, ये तैर रहा है ना गिलास, अब ये डूब जाएगा, पानी डाल दूंगा जब। नहीं नहीं, ये देखो खाली कागज है, इतना तो खैर नहीं, हमने देखा कभी। चलिए अब देखते हैं, वो मटके में करता है, मतलब वो मटके में करता है, हमारे पास मटका नहीं है। और डाल पानी, डाल 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 डाल। ये तो आग लग गई भैया पानी में, बैठ जाओ भाई, आप पे तो बहुत बड़ा जिंदमा था। निकला धुआं, आग लगा दी आपने भैया, कोई जिंद को बंद किया ना भाई साहब, ढक्कन बंद करके देनो। इससे क्या होता था, क्या होता है मतलब? अभी 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 आपको दिखाएंगे, माता बहनों को डराता है। उसमें क्या है, बड़ा जिंद है वो, उनके हाथ से पानी डलवाएगा, उनका पानी डलवाएगा, घर का पानी डलवाएगा। ये तुम्हारे घर में से निकला है जो भी कुछ, इनका अंदर तो पानी बोतल। अभी जिन निकलने वाला है भैया, जिन दिखा रहे हैं, जिंद समाप्त हो जाएगा इसी के अंदर, भस्म कर देंगे, पानी से भस्म कर देंगे इस बार। पर्ची डालो अपने हाथ से गिलास में, लो माता जी, आप डालो डालो, देखो करो, डाल दीजिए, पब्लिक जागरूक बनेगी इससे। पानी डालो, किस तरीके से वो आम जनता को बेवकूफ बना के और उनको गाड़ी कमाई उनको लूट रहे हैं। डाल दे पानी, भर दे उसे यार गिलास में। आग लग गई भैया, ये है जादू, जादू नहीं जिंद, सॉरी जिंद। ये देखो आग लगा, ये भाग रहा है, ये भाग रहा। अब इसने जलने गया, नाराज हो गया, पब्लिक कर दिया ना मैंने इसको, मीडिया के सामने नंगा कर दिया जिंद को। जिंद नाराज हो गया भाई, जिंद नाराज हो गया। ये देखो चोट फैट कर देता है, ये जिंद खतरनाक वाला था माता जी। वो शुक्र है आपका, बिना गिलास भी जल गई भैया, कैमरे में दिखा, गिलास भी जल गई, कागज भी जल गई। हाँ नहीं नहीं, वो क्या है, नाराज हो गया। इसको आप मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लेके जा रहे हो, किसी का रोजगार आप खत्म कर रहे हो, किसी मतलब डर आप खत्म कर रहे हो, भय खत्म कर रहे हो, तो ये चीजें अंधविश्वास खत्म कर रहे हो। ये सिंदूर में दिखाता था वो ऐसे करके, ये बना दे साथिया, जो घर का उतारा होता है, जो घर का उतारा होता है, 1000 रुपए, 51000 रुपए घर में दिक्कत है, ऐसा कुछ करवा रखा है किसी ने? अम्मा कुछ समझ में आया आपको? ये जो बाबा वगैरह होते हैं पब्लिक को दिखाते हैं यही सब, और कहते हैं जिन आ गया भूत आ गया आपके घर में घुस गया है, अब आपको ऐसे ही परेशान करेगा। हाँ भैया राजेश जी, यही बात है, तो आप लोग भी काम कर सकते हैं ऐसा, और हाँ, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं ऐसा, क्यों नहीं करते? बिल्कुल कमा सकते हैं, क्यों नहीं करते? ये टोना टोटका जादू, हमें टोना टोटका करने की क्या जरूरत है? हाँ, हम तो पब्लिक को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं हम तो इन्हें। लेकिन भाई साहब इतने लोग आते हैं, टीटू भगत जो सरफराज जिसका नाम अब निकल कर सामने आया है, तो लोग फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और ये तो करोड़पति बनता जा रहा है। इन्होंने अपनी दुकान बना रखी है, पब्लिक को डराओ धमकाओ ऐसे ऐसे जादू दिखा करके, आग लगा करके, पर्चे में भूत दिखा करके,
फिर उनसे पैसा ऐड हो, किसी 21,000 ले रखा, किसी 51,000 ले रखा, किसी 1,00,000 रुपए ले रखे, किसी से गाड़ी ले रखी है इन्होंने, 3-3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है जो आम जनता के पास में होनी मुमकिन नहीं है। जो कभी अंडे बेचता था, जो 4-5 अंडे बेचता था, कल जो ताला लगाया था ना, जो इसने डिस्पेंसरी बना रखी है जिसमें ये ड्रग्स रखता था, वो रात को कल प्रशासन की मौजूदगी में ताला लगाया था और रात को वो ताला तोड़ दिया गया और उसमें से जो ड्रग्स थे, कुछ ऐसे अवशेष थे, मनुष्य के अवशेष थे जैसे खोपड़ी है, तो ये चीजें, ये सारे अवशेष वहाँ से अब गायब हैं। अब बड़ी बात ये है कि प्रशासन ने ये क्यों कराया, क्योंकि चाबी प्रशासन के पास थी। मैं तो SHO साहब से सुबह कह रहा था, मैंने SHO साहब ताला तोड़वा दिया आपने, इसी हिसाब से कहा मैंने, जो बात है मैंने SHO साहब आपने ताला तोड़वा दिया, जो करा था टूटा नहीं है, खुला है, फिर चाबी तो उनके पास थी भाई। वो सच कहते हैं ना, इंसान कई बार सच बोल जाता है। अंदर कौन कौन से कांड हो रहे थोड़ा बताइए आप लोग, कैसे अंदर जो ये टीटू भगत का कुछ बना हुआ है कुटिया टाइप का, इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें सारे काम हो रहे हैं, वशीकरण इसमें करते हैं, दवाइयाँ इसमें देते हैं, हर तरह की डायलिसिस अलग करते हैं, इसमें डायलिसिस तलक के मरीज इसके पास आ रहे थे, कैंसर तलक के मरीज इसके पास में आ रहे हैं। फिर हमने जो बातें करी तो सभी मरीज ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं, आराम नहीं है और पैसे हमसे ले लेता है और दवाई देता है। जवाहर कॉलोनी से मुझे फोन आया था कि मेरा जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया इसने। हमने कहा ठीक है भाई, पता करते हैं क्या हुआ, तो ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन का भी हमारे सामने मामला आया है। देखिए, लोगों को ठगी का एक पर्ची हमें मिला था, ऐसे ही हम एक माता जी को दिखा रहे थे तो उन माता जी ने हमें पर्ची दी अपनी, जो उनकी पहली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं हम, 1,000 रुपया एक, अरे भाई साहब जीरो कम पड़ लिया अपने, 11,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट थी। अब वो कह रहे अरे भैया हमारा तो इलाज खत्म हो जाता, ऐसा कुछ दिखाते होंगे, डर जाते होंगे लोग। हमने कहा जी अब और कितने देने थे जी, जो कि 21 और देने थे, मैंने ऐसा है 11 आपने दे दिए, 11 इस बार हमें दे देना, हमने ये लो जी आज आपका हमने खत्म ही कर दिया। जो करे जी वो तो कह रहे थे माट, मैंने जी हम वो कम बजट वाले बाबा है ना, तो हमारे पास तो ग्लास है माट, तो अभी 4 लड्डू भी लाने पड़ेंगे, फिर वो मैंने लो बजट के बाबा डर गए वो लोग। तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैंने क्या सबूत है आपके पास, आपने 11,000 दिए, फिर मैंने ये उन्होंने पर्ची दी, मैंने यही हमारी फीस है, आपने हमें पर्ची दे दी जो हम आगे लोगों को दिखा सके, 11,000 है जी, जूम करके दिखा सकते हैं वैसे पूरे 11,000 है, पूरा इसमें पर्ची का नंबर वगैरह सारा कुछ है। ऐसे 11,000 की एक एक इंसान से इंस्टॉलमेंट, मैंने जी कितनी भीड़ होती थी जी, मेरा नंबर कई बार कभी 100 आदमियों के बाद आता था, कभी 200, अब ये लगाओ 11,000 एक आदमी से ले रहा है और 100 आदमी भी है भाई साहब, अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री, CM, PM, जज, सुप्रीम कोर्ट जज, किसी की भी नहीं होती। 51,000 रुपए इनसे ले रखे हैं भैया, ले रखा है 51,000 रुपए मैंने दिए, मेरी दिल्ली में मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप खोल रखी थी तो लॉकडाउन में काम धंधा कम हो गया। क्या डर दिखाया था आपको, थोड़ा घूम जाओ अगर। उसने ही बताया था कि भाई तेरी फैक्ट्री पे जिंद छोड़ा हुआ है, और मैं तो थोड़ा विश्वास भी कम करता था, लेकिन जब मैसेज आई साथ में, अब लेडीजों को थोड़ा लगता है कि कोई बात नहीं इतना नुकसान जा रहा है तो दे दो, तो उसने मेरे से 21,000 एक बार लिए। जिन छोड़ा हुआ है, जिन छोड़ा हुआ ये साबित करने के लिए क्या बोला, ऐसे कुछ टोना टोटका दिखा रहे हैं, वही सारा कुछ दिखाया था भाई, इस पेपर पे करके ऐसे वैसे करके सारा ऐसे। तो आप डर गए होंगे यार, सच में जिन है आग लग रही है यहाँ पर। आम आदमी को नॉलेज तो ऐसी होती नहीं, वो आदमी डर ही जाता है। तो ये साइंस ट्रिक है भैया ने जो दिखाया है, और इसी को ये जिन बताते हैं, भूत बताते हैं, चमत्कार बताते हैं, और पब्लिक को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। इनको ही अपना गुरु बना लिया है कि भैया मेरा जिंदगी यही उतारेंगे ऐसे जिंदगी से। सब लोगों को जागरूक करो, वही असली समाज सेवा होगी। बाकी देखिए ये बहुत बड़ा मैटर है, तो एक 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 लाइन में एक लाइन बता दो भैया, मांग क्या है आप यहाँ बैठे हैं धरने पे? मांग अपनी ये है, अभी एक सेकंड में मैं मांग पत्र दिखा देता हूँ। पांच जो इसके अपराधी हैं, वो सब पांचों को अरेस्ट करने के लिए बात हुई है, पांचों अरेस्ट होने चाहिए, ये यहाँ से खत्म होने चाहिए, भविष्य में कभी भी इस तरीके का यहाँ पर कभी भी वो दोबारा ना स्थापित कर सके। और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बनी है, इसे तोड़ने के लिए बोला गया है कि इस बिल्डिंग को यहाँ पे तोड़ दिया जाए, और इसके लिए CMO को टीम बुलाई जा रही है, जिससे कि यहाँ का जितने भी अंदर सैंपल है उनकी सैंपलिंग हो और लैब में उसकी टेस्टिंग हो कि वो क्या चीज इसको देता था। मांग लिख दी गई, देखिए थोड़ा बस ठीक है, हम देख
प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और उनके घर पे प्रशासन को भेजा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ टीटू भगत का ठिकाना है। ठिकाना ही बोलेंगे, ठिकाना भी दिखाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अगर कोई टीटू भगत के परिवार का होगा तो बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। यही है ठिकाना, कह रहे हैं काफ़ी बड़ा ठिकाना है, अंदर वशीकरण करता है, तंत्र मंत्र करता है, टोना टोटका करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है और पैसे अड़ता है और काफ़ी संपत्ति इसने बना ली है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल नज़दीक जाकर दिखाते हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख रहे हैं। हाँ, पुलिस भी मौजूद है। तो ये है, आप लोग देख रहे हैं, टीटू भगत जी गांव मंझावली, और मोबाइल नंबर भी लिखा है 9718446427। तो ये है टीटू भगत का ठिकाना, साईं बाबा की मूर्ति, और ये शायद टीटू भगत होगा मेरे ख्याल से। कौन है ये मुझे नहीं पता, हम कंफर्म करेंगे ये किसकी फ़ोटो है। तो यहीं पर जो है इसका ठिकाना है। कोई है? अच्छा, कोई नहीं है। अरे ठीक से बात कर लो, निकलो। ठीक है, लड़कियां हैं, बिगड़ गई हैं, कह रहे निकलो। हमने सोचा कोई बात करने को तैयार होगा तो बातचीत भी करेंगे। तो यही है टीटू भगत का ठिकाना, और यहीं पर होता है कर्म कांड, और यहीं पर पब्लिक को बनाया जाता है बेवकूफ़। आइए और भी दिखाते हैं, और भी ठिकाने हैं क्या भाई? मेन ब्रांच तो पीछे है। अच्छा, हाँ, ये तो और भी है। पुलिस यहाँ पर देखिए मौजूद है, काफ़ी बड़ा ठिकाना है। इधर भी होता है? नहीं, गेट किधर से है? देखिए फरीदाबाद में इतनी सख्ती कर रही है पुलिस कि मीडिया को कह रही है मत दिखाओ। क्यों ना दिखाएं? ये गेट है और यहीं से लोग अंदर घुसते हैं, हालांकि इस पर ताला लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ताला लगा हुआ है इस पर। मूर्ति वगैरह भी बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। मेडिकल स्टोर, अच्छा अच्छा, अच्छा, अंदर मेडिकल स्टोर भी है, इनका कहना है, दवाइयाँ भी हैं, भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर है, और पूरा यहाँ पे ताम झाम है। क्या है ये? अच्छा, टीटू भगत गांव मंझावली, आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भगत के रूप में, और बगल में साईं बाबा की फ़ोटो भी है। थोड़ा अंदर करके जूम कर सको तो जूम कर लो, हो रही जूम। टीटू भगत हैं, चलो ये तो फिलहाल फरार हैं और इनको पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आप जूम कम कर लीजिए। तो यही है टीटू भगत का ठिकाना। अब इस ठिकाने को तोड़ने की मांग की जा रही है, कह रहे हैं जैसे यूपी में बुलडोज़र चलता है वैसे ही फरीदाबाद के मंझावली में बुलडोज़र चलना चाहिए, और जो इलीगल वर्क्स हैं, जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो पब्लिक की मेहनत की कमाई को ठगा जा रहा है, वो बंद होना चाहिए, इन सबका यही कहना है। बाकी आगे देखेंगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, और ये धरना कब ख़त्म होता है, क्योंकि फ़िलहाल ये लोग उठने के मूड में नहीं है। इनका कहना है जब तक की कार्रवाई नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए दोपहर है, काफ़ी धूप है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। कल शाम को टेंट लगा था, दिन भर लोग यहीं पर बैठे थे, फिर शाम को टेंट लगा दिया और आज भी दिन भर बैठे हैं। प्रशासन का इंतज़ार है कि यहाँ पर आएँ, जांच करें, पड़ताल करें, अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो उसका सैंपल लें, उसके कागजात चेक करें। बहुत सारी मांगे हैं, FIR दर्ज करने की मांग है, और जितना भी इलीगल वर्क है उसको रोकने की मांग है, और ये जो अवैध ठिकाना है इसको तोड़ने की मांग है। बाकी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, हर चीज़ के बारे में आपको
अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। बाकी इन भाइयों ने आपको साइंस ट्रिक दिखाई जिसको ये नकली बाबा लोग और सरफराज खान जैसे लोग भूत प्रेत जिन्न बताकर पब्लिक को ब्लैकमेल करते हैं, पब्लिक को डराते हैं, धमकाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को ठग लेते हैं। बस यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।